हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु श्री यमुनाचार्य ये अलबंदर के नाम से प्रख्यात होते हैं। अलबंदर यानी कि जो जीतने के लिए आए हैं। और हमने वो एपिसोड देखा था जिसमें कोलाहल पंडित को वो राज दरबार में किस तरह से हराते हैं और अपनी विद्वत्ता को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ साथ अपने विद्वत्ता होने के साथ साथ अपने नम्र भाव को भी प्रकट करते हैं। जब वो कोलाहल पंडित और यमुनाचार्य दोनों के बीच में जब डिबेट हो रहा था, तब ये शर्त लगी थी कि जो भी हारेगा वो व्यक्ति दूसरे प्रतिद्वंदी के चरणों में अपना मस्तक झुका के नाक रगड़ेगा। लेकिन यमुनाचार्य जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं ये कृत्य नहीं करूँगा, क्योंकि आप इस राज दरबार के जाने माने विद्वान हैं, धर्मगुरु हैं। तो इस तरह से यमुनाचार्य अपनी नम्रता को प्रस्तुत करते हैं। उनके आने वाले भविष्य के एक आचार्य के रूप में किस तरह से रहना चाहिए उस जीवन को दर्शाते हुए। उसके बाद हमने देखा था कि शर्त में जो राजा और रानी के बीच में जो शर्त लगी थी कि आधा राज्य आपको दिया जाएगा अगर आप जीत जाएंगे इसमें, तो यमुनाचार्य को आधा राज्य मिल जाता है वो कोलाहल पंडित को हराने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यमुनाचार्य जब स्वयं राजा बन जाते हैं, राजा के आधे राज्य को प्राप्त करके, तो थोड़े भौतिकवादी बन जाते हैं। ऑफकोर्स हमारे लिए ये सीखने लायक है कि जब हमारे पास भौतिक वस्तुएं आती हैं तो हो सकता है कि हम भौतिकवादी बन जाएं अगर हम ध्यान न रखें। तो हमने देखा कि किस तरह से यमुनाचार्य अध्यात्म के मार्ग से थोड़ा सा भटक जाते हैं और उनके जो गुरु थे श्री राम मिश्रा, वो उनको पुनः वापस आध्यात्मिक मार्ग में लेके आते हैं। राम मिश्रा उनको श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का पाठ पढ़ाते हैं और उनको वापस आध्यात्मिक जीवन में लेके आते हैं। हमने देखा था किस तरह से वो उनको एक विशिष्ट जो एक पर्टिकुलर सब्जी पसंद थी वो जाके किचन में बनाते हैं और कई दिनों तक बनाने के बाद एक दिन जब अचानक रुक देते हैं तो यमुनाचार्य पूछते हैं कि वो सब्जी बनाने वाला किधर है, सब्जी किधर है। तो फिर इस तरह से राम मिश्रा धीरे धीरे उनको उनके संपर्क में आकर गीता का पाठ पढ़ाते हैं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि कभी भी जब हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक जीवन से दूर हो जाते हैं, तब हमें अगर वापस आध्यात्मिक जीवन में आना है तो दो चीज़ें जरूरी है। एक, भक्तों का संग, और भक्तों के संग में भगवान की कथाओं को सुनना, जैसे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता या फिर जो तत्सम शास्त्र हैं। तो कभी भी हम स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसमें वापस आने का सबसे आसान तरीका है किसी भी प्रकार एन प्रकार हमें भक्तों का संग करना चाहिए और उनसे कथाएँ सुननी चाहिए। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुनेंगे, तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन हमने पहले अनुभव किया था वो वापस पुनः जागृत हो जाएगा। तो ये भक्तों के संग में कथा सुनने से यह संभव है, जो कि यमुनाचार्य जैसे महान आचार्यों ने अपने जीवन से प्रदर्शित किया है कि जब भगवान की कथा सुनते हैं भक्तों के मुख से, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनः जीवित हो जाता है। तो यह कथा हमने देखी थी यमुनाचार्य के जीवन में। अब उसी प्रसंग में कुछ और चीज़ें आगे बता रहे हैं यहाँ पे यमुनाचार्य के अपने आगे उनके जीवन के बारे में। तो यमुनाचार्य जिनको राम मिश्रा ने श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करा के उनके आध्यात्मिक जीवन का पुनः उनको जीवित कर दिया था आध्यात्मिक जीवन से, यमुनाचार्य उसके बाद इतने आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाते हैं और इतने रिस्पिरिचुअल हो जाते हैं कि तुरंत संन्यास लेते हैं। वो भी हमने देखा था लास्ट टाइम। और बहुत सुंदर एक कोटेशन देते हैं, वो कहते हैं कि
love of the world and for God were incompatible with each other. यानी कि भगवान का प्रेम और इस जगत का प्रेम दोनों साथ साथ नहीं चल सकते. हम या तो भगवान से प्रेम कर सकते हैं या फिर इस जगत की वस्तुओं से प्रेम कर सकते हैं. दोनों को एक साथ प्रेम करना संभव नहीं है. जैसे प्रभुपाद भी कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर. भगवान की भक्ति और साथ में इंद्रिय तृप्ति, ये दोनों साथ में नहीं चल सकता. या तो भगवान की भक्ति हो सकती है या फिर इंद्रिय तृप्ति हो सकती है. ये समझ जब यमुनाचार्य का आती है तो संन्यास ले लेते हैं और ये उनके उद्गार हैं. ऑफकोर्स प्रभुपाद कई बार अपने प्रवचनों में यमुनाचार्य के कई कोटेशंस दिया करते थे. यमुनाचार्य ने बहुत सुंदर बुक लिखे हैं स्तोत्र रत्न करके, उसमें से दो तीन श्लोक हैं, आपको जस्ट सुनना है तो सुन सकते हैं. एक सुंदर श्लोक उनका आता है, कई बार आता है यमुनाचार्य कई बार इस श्लोक यमुनाचार्य के श्लोक को प्रभुपाद ने कई बार अपने कई कोटेशन में दिया गया है, इवन गीता से लेकर भागवत कई जगह पे आपने कई बार सुना होगा. यदवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम असित तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार शस्तु निष्ठि वनम च. ये कोटेशन प्रभुपाद कई बार दिया करते थे इन रेफरेंस टू, जब तक हमें भक्ति में उच्च स्वाद नहीं मिलेगा तब तक निच्च स्वाद नहीं जा सकता. और एक बार अगर भक्ति में हमें उच्च स्वाद मिल गया तो फिर ये जितने भी निचले स्तर के जो स्वाद है इंद्रिय तृप्ति के भौतिक स्तर के, ये ऑटोमेटिक निकल जाएंगे. इस श्लोक का अनुवाद ऐसा है, यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मैं भगवान की सेवा में लग गया हूँ, यदवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदये, जैसे ही मेरा चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है तब से मुझे क्या मिल रहा है, नव नव रस धामनी उद्यतुम रस्तुम असिति. मैं नए नए आनंद का अनुभव कर रहा हूँ भक्ति में, एक से एक. और जब भी मुझे इंद्रिय तृप्ति का विचार कभी मेरे मन में आता है, बहुत ही ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ये, कहते हैं कि मैं उस विचार पे थूक देता हूँ. इट्स अ वेरी हार्ड लाइनर, बट ऑफकोर्स हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते इसको, बट इट्स अ स्टैंडर्ड. और एक यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि जब तक हमें भगवान के चरणों से लगाव नहीं होगा, जब तक हमें भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा करने से आसक्ति नहीं होगी, तब तक हमसे इस भौतिक जग का जो आसक्तियाँ हैं वो नहीं छूट सकती. ये एक सुंदर कोटेशन है यमुनाचार्य का, प्रभुपाद कई बार दिया करते थे. और एक सुंदर कोटेशन है स्तोत्र रत्न में से ही, स्तोत्र रत्न करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा पूरे सारे बहुत सारे सुंदर श्लोक हैं. भवन्तमेवानुचरं निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाहमैकिंतक नित्य किंकर प्रहस्यामि सनाथ जीवित करके एक सुंदर श्लोक आता है ये यमुनाचार्य का. कहते हैं कि आपके भगवान को पुकार के कह रहे हैं कि आपके चरणों के निरंतर जो सेवा करता है वो क्या हो जाता है, इस जगत की भौतिक इच्छाओं से भौतिक आसक्तियों से कंप्लीटली फ्री हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है पूरी तरह से. और फिर बोल रहे हैं कि मैं इस तरह से आपके चरणों की सेवा में कब लग जाऊंगा, जो कि एक जीव और जीवात्मा के लिए एक सनातन कार्य है. हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा सबका सनातन कार्य क्या है, भगवान की निरंतर सेवा करना. तो इस तरह से यमुनाचार्य के सुंदर एक कोटेशन से प्रभुपाद कई बार दिया करते थे अपने लेक्चर्स में. आप अगर कभी प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये कई बार सुनने को मिलेंगे. तो यमुनाचार्य ने उसके बाद संन्यास लिया. संन्यास लेने के बाद कहते हैं कि उनके टोटल 20 शिष्य थे अलवंदर के यमुनाचार्य के. और राम मिश्रा जो उनके गुरु थे उनके टोटल 5 शिष्य थे इंक्लूडिंग यमुनाचार्य अलवंदर. अलवंदर यानी कि यमुनाचार्य वो भी उनके शिष्य थे राम मिश्रा के, और बाकी 4 शिष्यों का भी वर्णन यहाँ पे दिया गया है.
अब ये राम मिश्रा के शिष्यों का वर्णन इसलिए दिया गया है क्योंकि यमुनाचार्य को जो कुछ भी सीखना था वो राम मिश्रा ने सिखाया था सब कुछ। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज थी, उसका नाम यहाँ पे दिया है योग सूत्र। उसको सीखने के लिए राम मिश्रा ने कहा था कि आपको मेरे गुरु भाई के पास जाना है, यानी कि बेसिकली यमुनाचार्य के जो दूसरे गुरु हैं, गुरु भाई हैं, उनसे मिलने के लिए कहा था। तो राम मिश्रा, उनके 5 शिष्य थे, उनमें से अलवंदर एक शिष्य हैं, और राम मिश्रा कहते हैं कि मैंने आपको सब कुछ सिखाया है, लेकिन एक विशिष्ट योग सूत्र का अभ्यास जो है वो मैं अपने गुरु से सीख नहीं पाया। क्यों सीख नहीं पाया? यमुनाचार्य से, अपने गुरु नाथ मुनि से। कहते हैं कि एक सुंदर, यहाँ पे ओल्ड बिब्लिकल के लिए इंग्लिश में लिखा गया है, कहते हैं कि व्हेन द कॉर्प्स लाइथ वेयर इज बेड लॉक, यानी कि जब तक ये शरीर है भौतिक, तब तक भगवान से शादी कैसे हो सकती है हमारी? हमारी भगवान से शादी, यानी कि भगवान से हमारा मिलन तो तभी होगा जब हमारा भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे पिछले कुछ कोटेशन यहाँ पे दिए गए हैं, यमुनाचार्य खुद कहते हैं कि लव ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द लव ऑफ गॉड आर इनकम्पेटेबल विद ईच अदर, भगवान से प्रेम और इस जगत से प्रेम दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए राम मिश्रा कहते हैं कि मेरे गुरु ने बताया कि वो उसके लिए अनफिट है ये योग सूत्र पढ़ाने के लिए, तो ये आपको दूसरे उनके किसी और गुरु भाई से जाके सीखना पड़ेगा। उनका नाम था के अप्पन करके, जो राम मिश्रा के गुरु भाई है, यानी कि नाथ मुनि के शिष्य। तो राम मिश्रा जाते जाते उनको बताए गए थे, जब इस जगत से चले गए वो, इस बीच में कहे थे कि आप ये के अपन जो है मेरे गुरु भाई है, यानी कि यमुनाचार्य के अंकल हो गए वो, मतलब जैसे हमारे पास राधानाथ महाराज है, लोकनाथ महाराज है, नवे योगेंद्र महाराज है, ऐसे। तो अगर आप राधानाथ महाराज के शिष्य हैं तो महाराज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप जाके लोकनाथ महाराज से कुछ सीखो। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ एक प्रसंग है। तो राम मिश्रा जिनका इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया था, अब वो वैकुंठ की तरफ जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने रामानुचार्य यमुनाचार्य को कुछ आदेश दिए, कहे कि मेरे जो शिष्य हैं इन सबको ठीक से संभालना। और क्योंकि उन जो 5 प्रमुख शिष्य थे राम मिश्रा के, उसमें से प्रमुख यमुनाचार्य थे, उन्होंने कहा कि, तो राम मिश्रा ने कहा कि मेरे बाकी शिष्यों को संभालना, अपने इस पर्टिकुलर परंपरा का जो उन्होंने दिव्य प्रबंधन अलवारों के और नाथ मुनि से प्राप्त किया था राम मिश्रा, फिर यमुनाचार्य, इसको आगे बढ़ाना। कहा और कहा कि श्रीरंगम को आप क्या करना, अपनी राजधानी बना देना, कैपिटल, और इस तरह से अपने इस धर्म का प्रचार करना। ऐसा आदेश देकर अपने गुरु नाथ मुनि, इनके चरणों का स्मरण करते हुए राम मिश्रा इस जगत से वैकुंठ की तरफ पधार गए। तो इस तरह से यहाँ तक ये राम मिश्रा की कथा पूर्ण हो जाती है, जिन्होंने यमुनाचार्य जो कि अलवंदर नाम से जाने जाते थे, उनका रिस्पिरिचुअलाइजेशन कराया। यमुनाचार्य को आध्यात्मिक, जो भौतिक बन गए थे उनको आध्यात्मिक लाइन में वापस लेके आ गए। इसके बाद श्रीपाद यमुनाचार्य, उन्होंने श्रीरंगम को अपना राजधानी बनाते हुए वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपना समय बिताया, अपने धर्म ग्रंथ को और विस्तार से अध्ययन करते हुए, कुछ बहुत सारे किताबें लिखते हुए, उसी समय में उन्होंने ये स्तोत्र रत्न भी लिखा था जिसके 2-3 श्लोक मैंने अभी आपको बताए। तो उन्होंने अपना वहाँ समय बिताया अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए, अपने धर्म का प्रचार करते हुए, और फिर उनको वो एक बात याद आ गई जो राम मिश्रा ने उनको कही थी कि आप मेरे जो गुरु हैं, गुरु भाई हैं के अपन, उनके पास जाके योग सूत्रों का अभ्यास करके आ जाओ, उनसे सीखो, क्योंकि वही आपको सिखा सकते हैं। तो उनको जब ये चीज़ याद आई तो फिर यमुनाचार्य उनसे मिलने के लिए चले गए, के अपन से मिलने के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक विशिष्ट एक जगह का नाम दिया है,
और जब वो वहाँ पे पहुँचे के अपन से मिलने के लिए, तो एक विशिष्ट चीज़ वहाँ पे घटना घटी। जब वहाँ पे गए यमुनाचार्य, तो के अपन अपने समाधि में थे। जब समाधि में थे, समाधि से निकलकर उन्होंने, अब यमुनाचार्य जब गए थे उन्होंने देखा कि समाधि में, अब जब देखेंगे कभी आप किसी के पास मिलने के लिए जाएंगे किसी साधु महात्मा से, देखेंगे आपको समाधि में, तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट? अब बोलेंगे थोड़े समय के बाद मिलता हूँ, जब इनका जो भी भजन पूजा कर रहे हैं पूरा हो जाएगा। तो यमुनाचार्य जब देखते हैं कि के अपन साधना समाधि में है, तो थोड़ा दूर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। लेकिन के अपन अपनी समाधि में से ही बोलते हैं कि यहाँ पे कोई नाथ मुनि के वंश का कोई व्यक्ति आया है क्या, ऐसा एक दो बार रिपीट करते हैं। तो यमुनाचार्य को आश्चर्य होता है और यमुनाचार्य बोलते हैं कि हाँ, मैं नाथ मुनि के वंश का ही एक नम्र शिष्य हूँ और मेरे गुरु के आदेश से आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपसे योग सूत्रों का रहस्य प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ करके आपसे मिलने के लिए? तो के अपन कहते हैं कि मेरा और भगवान का इतना नज़दीकी संबंध है, जब भी मैं भगवान पे ध्यान करता हूँ तो भगवान एकटक मेरी तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी की तरफ भी नहीं देखते हो, बाकी भक्त को तो छोड़ दो, इतना भगवान से मेरा संबंध इतना नज़दीकी बना हुआ है जब भी मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि उन्होंने 2-3 बार मेरे से नज़र हटाई, दूसरी तरफ देखा, तो मैं समझ गया कि आज कोई विशेष भक्त यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई नाथ मुनि के वंश का कोई व्यक्ति आया है क्या। तो इस तरह से वो रिवील करते हैं के अपन, और फिर के अपन बोलते हैं कि जो आप सीखने के लिए आए हैं ना, वो एक्चुअली, लेकिन आपको मैं अभी नहीं बता सकता, वो मैं मेरे मृत्यु के समय बता पाऊंगा। और एक विशिष्ट डेट देते हैं, वो कहते हैं कि अगले महीने पुष्य के महीने में गुरु पुष्य योग आएगा, अभिजित मुहूर्त आएगा, उस समय आप यहाँ पे हाजिर हो जाना, उस समय मैं आपको इन योग सूत्रों का रहस्य बता पाऊंगा। ऐसा करके उनको विदा कर देते हैं। यमुनाचार्य उनकी इन बात को स्वीकार कर उनसे परमिशन लेकर, उनसे दंडवत लेकर, वहाँ का प्रसाद तीर्थ लेकर वापस श्रीरंगम की ओर रिटर्न हो जाते हैं। अब देखिए, श्रीरंगम की तरफ जब आते हैं, श्रीरंगम में उसी समय एक फेस्टिवल आता है, एक विशेष फेस्टिवल है, जिस उस फेस्टिवल का नाम है अध्ययन अत्युत्सव करके। उस फेस्टिवल में जो दिव्य प्रबंधन के 4,000 श्लोक है वो गाए जाते हैं संगीत में रूप में। तो यमुनाचार्य एक दिन उस फेस्टिवल में वही 4,000 वो दिव्य प्रबंध के श्लोक सुन रहे थे। जब श्लोक सुन रहे थे तो बीच में एक श्लोक आया, उस श्लोक में बताया गया था, अभी ऑफकोर्स तमिल में है, नद्दमिनो नमरगल उल्लीर करके, उसका अर्थ होता है कि स्पीड, मतलब जाओ जाओ अनंत शयन की तरफ जाओ। अनंत शयन मतलब यहाँ पे स्वामी पद्मनाभ टेम्पल, उस श्लोक में ऐसा लिखा रहता है कि आप जाओ, जल्दी जल्दी जाओ स्वामी पद्मनाभ टेम्पल की तरफ जाओ। तो यमुनाचार्य जब इस श्लोक को सुनते हैं तो उनको लगता है कि मेरे लिए क्या ये आदेश है, जाकर स्वामी पद्मनाभ टेम्पल में जाकर जो अनंत शयन, जो अनंतनाग पर शयन करने वाले स्वामी पद्मनाभ है उनका दर्शन लो करके। तो उनकी उत्कंठा और इच्छा प्रकट होती है उनके हृदय में। तो यमुनाचार्य तुरंत उस तरफ निकल जाते हैं, अनंत शयन की तरफ, यानी कि स्वामी पद्मनाभ टेम्पल की तरफ। और जो अपने शिष्य होते हैं 20, उसमें से एक शिष्य जिनका नाम है टी अंडन करके, ये सब शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ मैं, डिटेल में नाम है बट उतना उच्चारण नहीं आएगा तमिल का इसलिए। तो ये जो टी अंडन करके जो शिष्य थे उनके, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे रहो श्रीरंगम में और संभालो यहाँ पे कैपिटल को, तब तक मैं दर्शन करके आता हूँ करके निकल जाते हैं वो। अब देखिए, जैसे मैंने शुरू से कहा था, यहाँ पे गुरु शिष्य सेवा और संबंध और उनके बीच के प्रेम को इस तरह से उजागर किया जाता है इन श्री संप्रदाय के अनेक अनेक भक्तों की कथाओं में। अभी देखिए क्या होता है, श्रीपाद यमुनाचार्य चले जाते हैं दर्शन के लिए स्वामी पद्मनाभ टेम्पल, और इस तरफ यमुनाचार्य जाने के बाद जिनको मठ का कार्यभार संभाला गया था, टी अंडन जो उनके प्रमुख शिष्य थे, वो थोड़ा बेचैन होने चालू करते हैं, थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है उनकी और एकदम अस्वस्थ हो जाते हैं, उनको ठीक से खाना नहीं जाता है, बेचैनी होती है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है,
कि भाई क्या हुआ, देखो इनको चेक करो, चक्कर आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि लगता है इनको कुछ भौतिक बीमारी हुई है। क्या किसी स्त्री से कुछ आकर्षण हो गया इनको? अब ये सब मठ में रहने वाले सब सन्यासी लोग हैं, तो इनको कुछ स्त्री से आकर्षण हो गया है क्या, इसलिए उनके हृदय में मतलब उत्कंठा है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, या फिर इनका कुछ संपत्ति चोरी हो गया है क्या जिससे आसक्त थे वो? तो ये टी अंडन खुद बोलते हैं, भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर ऐसा बीमारियाँ क्यों हैं? तो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरी जो बीमारी है वो तभी दूर हो सकेगी जब आप मुझे मेरे गुरु के पास लेके जाएंगे, यमुनाचार्य के पास, जो कि स्वामी पद्मनाभ टेम्पल में दर्शन करने के लिए गए हैं। यानी कि गुरु को अपने शिष्य को अपने गुरु से इतना विरह हो रहा था कि उनको भूख भी नहीं लग रही थी, प्यास भी नहीं लग रही थी। जो शिष्य अपने गुरु से इतना प्रेम करते हैं, निरंतर उनके साथ में रहते हैं, जब उनसे, जैसे सिंपल है ना, जैसे किसी स्त्री से अगर कोई व्यक्ति, यू नो, पुरुष अगर प्रेम करता है, तो जब वो स्त्री उससे दूर चली जाती है या वाइस वर्सा, तो उसको कैसे अकेलापन महसूस होता है, वो हम लोग अनुभव करते हैं इस जगत में, क्योंकि हम लोग बहुत ही जगत में हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं वो भी ऐसा ही प्रेम करते हैं अपने गुरु से या फिर बाकी भक्तों से, जब उनसे विरह होता है तो उनको भी वो बेचैनी महसूस होती है कि मैं कब मिलूंगा मेरे गुरु से, कब मेरी उनसे मुलाकात होगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो भाई इनको तो लेके जाना पड़ेगा। तो श्रीरंगम के बाकी जो शिष्य हैं यमुनाचार्य के, वो टी अंडन जो वहाँ पे अभी टेम्परेरली टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए थे, सेवा कर रहे थे, जो बेचैन हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे, उनको एक पलंकिन में, मतलब जो पालकी रहता है उसमें बिठा के लेके जाते हैं यमुनाचार्य से मिलने के लिए। कहाँ? स्वामी पद्मनाभ टेम्पल। यमुनाचार्य स्वामी पद्मनाभ टेम्पल में दर्शन करने गए हैं उधर की यात्रा पे, तो ये भी इधर से निकल पड़ते हैं। और जैसे उनको पता चलता है कि मैं गुरु से मिलने वाला हूँ, धीरे 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 उनका स्वास्थ्य वापस आना चालू हो जाता है रास्ते में। फिर धीरे धीरे चलना भी चालू करते हैं वो। और उस तरफ से यमुनाचार्य स्वामी पद्मनाभ टेम्पल जब वहाँ पे दर्शन ले रहे होते हो, तब उनको तुरंत याद आता है, अरे ये तो पौष का महीना आ गया और मुझे के अपन, जिनसे मैं योग सूत्र का रहस्य जानने के लिए गया था, उन्होंने कहा था कि तुम मेरे मृत्यु के समय में आना, अभिजीत मुहूर्त के टाइम में, पौष महीने में, उस समय मैं आपको ये रहस्य बताऊंगा। बोलते वो तो समय हो गया यहीं पे। तो अपने आप के ऊपर बहुत खेद व्यक्त करते हैं कि मैं किस तरह से भूल गया, मुझे इस समय उन्हें मिलने के लिए जाना चाहिए था। तो हड़बड़ी में निकलते हैं स्वामी पद्मनाभ से उनको मिलने के लिए। अब वो उधर से निकल रहे हैं यमुनाचार्य स्वामी पद्मनाभ से, और इस तरफ से श्रीरंगम से जा रहे हैं उनके शिष्य टी अंडन, और दोनों के रास्ते में बीच में मुलाकात हो जाती है, रास्ते में ही, एकदम बीच में। तो जैसे वहाँ पे रास्ते में मुलाकात होती है, तो यमुनाचार्य उनको देख के एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वैसे पहले दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को दंडवत लगाते हैं, और फिर यमुनाचार्य गुस्से में एक विशिष्ट चीज़ बोलते हैं, कहते हैं कि श्री राम अपने भाई भरत से इतना प्रेम करते थे, और भरत भी अपने भाई राम से इतना प्रेम करते थे, कि जब राम ने भरत को कहा था कि तुम मेरे अनुपस्थिति में अयोध्या का राज कारभार संभालो, तो भरत ने स्वीकार किया था। लगता है मैं आपको ऐसा शिष्य नहीं बना पाया, ऐसा करके यमुनाचार्य टी अंडन को कहते हैं अपने शिष्य, जो उनसे मिलने के लिए श्रीरंगम छोड़ के स्वामी पद्मनाभ की तरफ निकल गए थे। तो और डर जाते हैं वो, फिर उनके जो शिष्य हैं, अभी गुरु अगर इस तरह से आपको अगर, यू नो, ताना मारे कि वो कहे कि मैं तो अपने शिष्यों को शिष्य बना ही नहीं पाया, कुछ थोड़ा सेवा दिया था वो भी छोड़ के मुझसे मिलने के लिए आ गए, तो एकदम डर जाते हैं वो। तो ये सार्केस्टिक, यू नो, ताना सुनकर एकदम स्तब्ध होकर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। तो यमुनाचार्य के जो शिष्य टी अंडन को लेके आए थे इस तरफ, उनमें से एक शिष्य कहते हैं कि उनको थोड़ा पैसिफाई करने के लिए यमुनाचार्य को कहते हैं कि एक्चुअली आपका और आपके शिष्य का जो रिश्ता है कैसा है, राम और लक्ष्मण के जैसा है। लक्ष्मण राम के बिना कभी रह ही नहीं पाते थे, जैसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु,
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को कितनी बार कहा था कि आप बंगाल में रहकर प्रचार कीजिए, आप मुझे मिलने के लिए बार बार मत आया करो। लेकिन नित्यानंद प्रभु हमेशा कुछ ना कुछ करके महाप्रभु से मिलने के लिए आया ही करते थे। उसी तरह से राम और लक्ष्मण एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। राम ने वनवास तो मिला था राम को, लेकिन लक्ष्मण खुद से उनके साथ आए, राइट। तो वो दूसरे कहते हैं कि ये आप दोनों का रिश्ता एक्चुअली किसके जैसा है, राम और लक्ष्मण के जैसा है। जैसे मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती, वो पानी के अंदर ही रह सकती है, उसी प्रकार ये आपके शिष्य है ना, आपसे अलग नहीं रह सकते। उनका इतना आपसे प्रेम है, जब यमुनाचार्य सुनते हैं तो थोड़े शांत हो जाते हैं, उनका गुस्सा दूर हो जाता है। और यमुनाचार्य कहते हैं यू नो कि आपके जैसा शिष्य मुझे मिलना संभव नहीं है, जो मुझसे इतना प्रेम करता है। और यमुनाचार्य कहते हैं कि आप अब इतना दूर आए ही हैं, तो आप क्या कीजिए, जाइए और जाके दर्शन लीजिए स्वामी पद्मनाभ का। तो उस समय जो टी अंडन थे उनके शिष्य, वो जैसे कभी कभी होता है ना छोटा बच्चा, जब आपको उसको गाली देते हैं थोड़ा सा चिल्लाते हैं तो पहले रोता नहीं है वो थोड़ा थोड़ा मुंह बिगड़ता है फिर एक साथ जोर से चालू होता है रोना, एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। वैसे ही अब तक जो चुप बैठे थे टी अंडन, इतना है ना यमुनाचार्य से सार्केस्टिक रिमार्क सुन के, फिर दूसरे शिष्य कहते कि नहीं ये लक्ष्मण के जैसे हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उस समय टी अंडन का हृदय पूरी तरह पिघल जाता है और जोर जोर से रोना चालू करते हैं। कहते कि मैं नहीं जाऊंगा स्वामी पद्मनाभ दर्शन करने, मेरे स्वामी पद्मनाभ तो आप ही हैं, ऐसा कह के उनके चरणों में गिर जाते हैं। फिर यमुनाचार्य अपने शिष्य का इतना अगाढ़ प्रेम देखकर उनको उठाते हैं, गले मिलाते हैं और दोनों फिर रिटर्न निकलते हैं श्रीरंगम की तरफ। देखिए वो आगे गए नहीं दर्शन लेने के लिए, ये प्रूफ है कि कितना उनका प्रेम था अपने गुरु के प्रति। ऐसा नहीं हमारा जैसा कि हम कभी कभी जैसे भक्ति, एक बार वृंदावन यात्रा में भक्ति सिद्धांत सरे ठाकुर कथा कर रहे थे और उस समय पंडाल में से कुछ भक्त शेषशायी विष्णु का दर्शन लेने के लिए जा रहे थे, तो प्रभुपाद भी उस यात्रा में थे लेकिन वो नहीं गए। वो कहे कि मुझे सुनना जरूरी है ज़्यादा गुरु से, अगर मैं दर्शन करने जाऊँगा तो क्या देख पाऊँगा मैं, लेकिन गुरु से मैं सुनूंगा और उसके बाद अगर दर्शन लूंगा तो अच्छी तरह से मैं समझ पाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद वहाँ पे रुक गए थे। और भक्तिसिंह सर ठाकुर जी ने उस समय उसको रिमार्क किया था कि ही लाइक्स टू हियर, इन्हें सुनना पसंद है। इस तरह से अगर हम गुरु से उनके मुख से आध्यात्मिक वर्णन सुनेंगे आध्यात्मिक जगत का, भगवान का, उसके बाद जब दर्शन करेंगे तो हमें असली दर्शन होगा। तो आपको क्या लगता है कि टी अंडन स्वामी पद्मनाभ टेम्पल नहीं गए तो उन्होंने मतलब अपना आधा यात्रा वेस्ट किया? नहीं, वो निकले ही थे अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए और जब श्रीरंगम गए तो उन्हें श्रीरंगम में ही स्वामी पद्मनाभ दिखे या फिर यमुनाचार्य में स्वामी पद्मनाभ दिखे। इस तरह से गुरु शिष्य का इतना यू नो गाढ़ा प्रेम यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस कथा में। उसके बाद यमुनाचार्य जब श्रीरंगम वापस आए वहाँ पे फिर अपना रूटीन फॉलो करने लगे। इस तरह से कई दिन बीत गए। यमुनाचार्य खुश थे कि श्रीरंगम अपने एक कैपिटल बनाया उन्होंने और जो दिव्य प्रबंधों से हमने जो भी कथाएं और नो दर्शन सुना है उसको हम लिख रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। लेकिन उनको एक चिंता सता रही थी। वो चिंता ये थी कि मेरे तो बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन इन शिष्यों में मुझे एकदम कंपेटेंट शिष्य नहीं दिख रहा है जो इस परंपरा को आगे लेके जाएगा। इस चिंता से वो एकदम मगन हो गए थे। अब इसी कड़ी को जोड़ते हुए ये जो पांचवा चैप्टर यहाँ पे चालू होता है रामानुजाचार्य का, जिनका अभी आविर्भाव होगा, क्योंकि यमुनाचार्य ढूंढ रहे हैं कि अभी अगला आने वाला मेरा शिष्य कौन होगा जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो ये पांचवा चैप्टर है यमुनाचार्य रामानुजाचार्य का, उनका जन्म, उनका विद्यार्थी जीवन और किस तरह से वो आगे बढ़े, इसके बारे में वर्णन यहाँ पे आएगा। तो यमुनाचार्य इस तरह से जब अपने चिंता में थे श्रीरंगम में कि आगे आने वाला यू नो कौन बनेगा मेरा उत्तराधिकारी जो इस संप्रदाय को आगे लेके जाएगा, तो यमुनाचार्य के शिष्य थे श्री शैलपूर्ण करके, ये नाम याद रखेगा अभी बार बार आएगा यहाँ पे, श्री शैलपूर्ण यमुनाचार्य के शिष्य हैं। उनके दो बहनें थी, एक का नाम था श्रीदेवी, दूसरे का नाम था भूदेवी। दो सिस्टर्स यमुना श्री शैलपूर्ण की, श्रीदेवी भूदेवी। तो श्रीदेवी का विवाह हुआ था
कमल नयन भट्ट के साथ, और भूदेवी का विवाह हुआ था असुरी केशव पेरुमल करके, जो कि रामानुजाचार्य के जन्म स्थान श्री पेरुम्बदूर वहाँ पे रहते थे। तो श्री पेरुम्बदूर में असुरी केशव पेरुमल करके एक व्यक्ति थे, उनसे भूदेवी का शादी हुआ था, और भूदेवी किसकी बहन है, श्री शैलपूर्णा जो कि यमुनाचार्य के शिष्य हैं। और जो दूसरी थी श्री देवी उनकी सिस्टर, उनका विवाह हुआ था कमल नयन भट्टो, वो दूसरे किसी दूसरे गांव में थे। तो ये डेट दिया यहाँ पे एक विशिष्ट स्पेसिफिक डेट 13 अप्रैल 1017 एडी, उस दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म हुआ श्री पेरुम्बदूर में, इनके घर में भूदेवी और असुरी केशव पेरुमल, इनके माता पिता हैं। उनको कांतिमती और दीप्तिमती भी कहा जाता है, भूदेवी को कांतिमती और श्रीदेवी को दीप्तिमती, ये दोनों बहनें थी। तो इनके जन्म जब हुआ तो उस समय एक श्लोक लिखा गया है, अनंतम प्रथमम रूपम लक्ष्मणम शु तथा परम पदभद्र स्तुतियस्तु कलो कश्चित भविष्यति। कहते कि जो पहले आदिशेष थे यानी कि अनंत शेषनाग, वही बाद में क्या बने, लक्ष्मण बने, और वही लक्ष्मण बाद में बलराम बने, और वही बलराम बाद में कलयुग में श्रीपाद रामानुज आचार्य के अवतार में आए हुए हैं। तो रामानुजाचार्य कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है, स्वयं शेषनाग हैं, बलराम और लक्ष्मण तत्व हैं, ये उसका यहाँ पे प्रोफेसी दिया गया है। और कहते हैं कि श्रुति नष्टा स्मृति लुप्ता प्रायण पतिता द्विजा अंगानी च विशरणानी हा वृद्धो वर्धते कली। कहते हैं कि इस कलयुग में सब शास्त्र क्या हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं, सारे जो शास्त्रों के दिए हुए जो नियम हैं वो गुम होते जा रहे हैं, ब्राह्मण लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया है, और कली इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। इससे हम सब दशो यो महा वीर्य शेषाख्य धरणीधर जगता मुपकराय तव वंशे भविष्यति। इस तरह से एक ऋषि है हरिता करके, उनको भी भविष्यवाणी भगवान ने करा था कि कलयुग में आप सबका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान शेष क्या करेंगे, भगवान अवतरित हो जाएंगे रामानुजाचार्य के रूप में। इस तरह से जब ये उनके जन्म की घटना श्री शैलपुराणा को पता चलती है, उनके मामा तुरंत श्री पेरुम्बदूर आ जाते हैं वो, और आके बालक के बहुत सारे जो संस्कार रहते हैं अलग अलग, उन संस्कार को पूरा कराते हैं। तो ऑफकोर्स उनके बाल्य अवस्था का ज़्यादा वर्णन नहीं है, स्ट्रेट जब उनका सब संस्कार पूरा हो जाता है, बाद में वो स्कूल में जाते हैं, और स्कूल में ऑफकोर्स उनका नामकरण का खाली एक चीज़ बताया है कि कहते हैं कि ये जो बालक है, ये बालक उसी तरह से रहेगा जिस तरह से राम को लक्ष्मण था, राम के लिए लक्ष्मण थे, तो ये बालक भी भगवान के लिए वैसे सेवा करेगा जैसे लक्ष्मण ने सेवा किया है, इसलिए इसका नाम रखो रामानुज, यानी कि राम के छोटे भाई, ये बताया जाता है। तो उनका नाम रामानुज बताया जाता है करके नामकरण करते हैं। फिर रामानुजाचार्य अपने बचपन में स्कूल में जाना चालू करते हैं, स्कूल पूरा करते हैं गुरुकुल का, उसके बाद उनका विवाह भी होता है। विवाह होने के बाद तत्पश्चात रामानुजाचार्य और पढ़ाई करना चाहते हैं, और पास में ही जो कांचीपुरम करके जगह रहता है जहाँ पे भगवान वरदराज स्थापित है, उस कांचीपुरम में रामानुजाचार्य पढ़ाई के लिए जाते हैं यादव प्रकाश के पास। यादव प्रकाश करके वहाँ पे प्रख्यात गुरु होते हैं जो अपना एक पाठशाला चलाते हैं। ऑफकोर्स यादव प्रकाश मायावादी थे लेकिन उस समय में वो पाठशाला प्रख्यात था। अब ये यमुनाचार्य रामानुजाचार्य सब मायावाद का खंडन करने के लिए ही आए थे, तो उस समय बहुत विख्यात था मायावाद दर्शन। तो यमुनाचार्य रामानुजाचार्य कांचीपुरम यादव प्रकाश के पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और उनकी आगे वर्णन आएगा किस तरह से वो गुरु से शिक्षा पाठ पढ़ते हैं वहाँ पे, और किस तरह से गुरु के साथ उनका डिबेट होता है। उसके बीच में बताते हैं कि जो रामानुजाचार्य के माता पिता थे भूदेवी और असुरी केशव परिमल, तो एक ये जोड़ा था, और दूसरा था उनकी बहन भूदेवी की सुदेवी, और उनके जो कमल नयन भट्ट पति थे उनको भी एक पुत्र हो जाता है, उसका नाम रखा जाता है गोविंदा। तो ये मतलब चचेरे भाई हो गए रामानुजाचार्य के, इनका भी वर्णन आगे बहुत आएगा, उनके परिकर हैं ये गोविंदा करके। तो इस तरह से गोविंदा को भी जब पता चलता है, उनका भी बचपन होता है, स्कूल जाते हैं पढ़ाई करते हैं, तो उनको पता चलता है कि मेरा भाई रामानुजा
यादव प्रकाश की पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी वहाँ चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए कांचीपुरम। तो कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ें बतलाई गई हैं जब वो पाठशाला में पढ़ाई करते हैं रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के। चूँकि यादव प्रकाश एक मायावादी गुरु थे, तो हमेशा जब भी अपनी पाठशाला में कुछ पढ़ाते थे वेदांत सूत्र या फिर वेदों के ऊपर या फिर ब्रह्म सूत्र के ऊपर, तो उन सूत्रों को मायावाद भाषा में उसको कमेंट्री करते थे। जैसे एक श्लोक आता है सत्यम परम ज्ञानम करके, तो ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म यानी कि भगवान, ये क्या है? सत्य है, परम है और ज्ञान है। ये सत्यम ज्ञानम परम, सत्यम यानी कि सत्य है क्योंकि हमेशा के लिए है वो, ज्ञानम यानी कि क्या है, वो एक व्यक्ति है और व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है इसलिए वो जीवित है, ज्ञानम है, और परम यानी कि अनंत काल के लिए रहते हैं। लेकिन यादव प्रकाश इसको क्या करते हैं, मायावादी टिप्पणी देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से गाय में सिंह होना, सिंह ना होना, यू नो, और सिंह का टूटा होना, ये तीनों चीज एक साथ नहीं हो सकते। आप समझे, थोड़ा फिलोसॉफिकल है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से गाय में सिंह होना, सिंह ना होना और टूटा हुआ सिंह होना, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। उसी तरह से ब्रह्म यानी कि भगवान, उनके अंदर ज्ञान, ज्ञानम, सत्य यानी कि ट्रुथफुलनेस, और परम यानी कि सनातन काल के लिए वो रहते हैं, ये तीनों चीजें नहीं हो सकती है, ऐसा करके तुलना देते हो। तो यमुनाचार्य रामानुचार्य कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये आपकी ये एनालॉजी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कि मैं दूसरी एनालॉजी देता हूँ इसको स्पष्ट करने के लिए, आपने जो उदाहरण दिया है वो इसके लिए सुटेबल नहीं है। कहते हैं कि जिस तरह से फूल का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि फूल में रंग होना, फूल में सॉफ्टनेस होना, मतलब पंखुड़ियाँ एकदम नाजुक रहती है ना, और उसके अंदर सुगंध होना, ये तीनों चीज़ें एक साथ रहती है कि नहीं रहती है? वही उसी तरह से भगवान के अंदर सत्य है भगवान क्योंकि हमेशा के लिए भगवान जीते हैं, ज्ञान है उनके अंदर क्योंकि व्यक्ति है, और सनातन है क्योंकि सनातन काल के लिए है। उसी तरह से ये तीनों चीज़ें भगवान के अंदर भी है, और एक उदाहरण देते हैं कि कहते हैं जिस तरह से सूर्य के अंदर रोशनी और ऊर्जा, हीट एंड लाइट, सूर्य की रोशनी से क्या निकलता है, हीट निकलती है और लाइट भी निकलता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, उसी तरह से भगवान के अंदर ये तीन चीज़ें भी साथ साथ रहती है। बस अब इतना जब यादव प्रकाश सुनते हैं, बोलते हैं गुरु से तर्क करता है, गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ा उनमें अनबन हो जाता है क्योंकि रामानुजाचार्य वैष्णव है और यादव प्रकाश मायावादी है, तो दोनों में क्या होना चाहता है, डिबेट होना चालू हो जाता है धीरे धीरे। और इसी प्रकार एक दिन एक व्याख्या कर रहे होते हैं यमुनाचार्य यादव प्रकाश कि भगवान की आंखें किस तरह से हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, आपने सुना होगा कभी। यादव प्रकाश कहते हैं तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मिक्षणी, कहते हैं कि भगवान की आंखें यानी कि ब्रह्म बोलते हैं वहाँ पे भगवान, कहते हैं उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे बंदर का जो पिछला भाग रहता है ना लाल, उसके जैसी है। बस उस समय रामानुजाचार्य यादव प्रकाश का मसाज कर रहे होते तेल से, रात के समय में मसाज, गुरु का सेवा करते करते सुन रहे होते हैं गुरु से, तो उनको ये सुनकर इतना दुख होता है, इतना गुस्सा आता है कि उनकी आंखों से गरम गरम एक आंसू का एक बूंद गिरता है यादव प्रकाश के जांग में, पैर में किधर, तो और उनका पूरा वो चमड़ा जला डालता है उससे, इतना गरम उनकी आंखों से आंसू का वो बूंद गिरता है, बॉइलिंग, तो तुरंत जैसे जल जाता है। तो यमुना यादव प्रकाश बोलते हैं क्या हो गया तुमको, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो यमुना रामानुचार्य बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है लेकिन शायद आपने दिया हुआ जो उदाहरण है, जो तुलना है, ये सूट नहीं हो रही है इस सूत्र के लिए। तो बोलते हैं अच्छा तुम बहुत जानते हो मुझसे ज़्यादा, तुम बताओ तुमको क्या आता है, तुम्हारा क्या तर्क है? तो यमुना रामानुचार्य कहते हैं कि एक्चुअली इस श्लोक में दिया हुआ जो कप्यासम है ना, कप्यासम बोलते हैं कि क मतलब पानी और पीबती, क प्या, तो प्या का पीबती बोलते हैं, मीन्स ड्रिंक बोलते हैं, क पीबती मतलब पानी पीने वाला। अब पानी पीने वाला कौन है? पानी पीने वाला सूरज है,
राइट, सूरज पानी पीते हैं भगवान, मतलब जो नदी में पानी रहता है उसको सोख लेते हैं। और कहते हैं कि ये एक चीज हो गया, और बोलते हैं कि जो अस्सी करके हैं कप्पे असम अस्सी, उसका अर्थ है कमल का स्टॉक, कमल का है ना देट रहता है ना कमल का फूल। बोलते हैं कि भगवान की आंखें ऐसी हैं जो उगते हुए, मतलब जो सूरज है लाल लाल, और जो नदी में जो कमल खिला हुआ है गुलाबी कलर का, जो पानी सोख लेता है पीता है, उस कमल के फूल के जैसे भगवान की आंखें क्या है, लाल है। तो ये तुलना यहाँ पे क्या होगी, सुटेबल होगी। फिर वो यादव प्रकाश को बोलते हैं कि आपकी तुलना जो है वो इस यू नो एग्जाम्पल के लिए, इस पर्टिकुलर सूत्र के लिए सुटेबल नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यादव प्रकाश मायावादी है, वो भगवान को व्यक्ति करके समझते नहीं है, और उनको कोई भी तुलना देकर मतलब बताना चाहते हैं कि भगवान करके व्यक्ति है ही नहीं, ब्रह्मन है, सब कुछ एक है, माया है सब कुछ। और रामानुचार्य एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं, भगवान एक व्यक्ति है, और इतने सुंदर व्यक्ति है कि उनकी आंखें कमल के फूल के यू नो गुलाबी पंखड़ियों के समान है। बस तो हो गया। अभी इतने दो प्रसंगों के बाद यादव प्रकाश, उनका गुस्सा तेज हो जाता है। बोलते हैं कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, कल से मेरे स्कूल में बताया करो, जाओ यहाँ से निकल जाओ। रामानुचार्य बोलते हैं कि ठीक है, नहीं आऊँगे कल से स्कूल में आपके, और चले जाते हैं। अब होता क्या है देखिए इस समय में, अब ये जो यहाँ से निकल गए रामानुचार्य स्कूल से, तो यादव प्रकाश सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं उनके स्कूल के, उसमें गोविंदा भी रहते हैं। कहते हैं कि देखो ये रामानुचार्य है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या दे रहे हैं, हो सकता है कि कल मुझे परास्त कर दे ये, यू नो ब्रह्म और वेदों के यू नो सूत्र को कमेंट्री देने में, और मेरा फिर यश खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए हमेशा के लिए। तो बोलते कि ठीक है कैसे करेंगे, तो सब यू नो मिलके एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रामानुचार्य को वापस स्कूल में बुलाएंगे, उससे बहुत प्रेम करेंगे, बोलेंगे तुम हमसे हमारे बहुत प्रिय शिष्य हो, हमसे हमारे साथ रहो, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उत्तर भारत की यात्रा पर जाएंगे हम लोग यमुनाचार्य को ले रामानुचार्य को लेकर। और जब वहाँ उत्तर भारत में हम गंगा नदी के पास जाएंगे, मणिकर्णिका का घाट, वहाँ पे नदी में इसको बहा के मार डालेंगे, ऐसा उनका प्लान बनता है। फिर ये क्या करते हैं, अब सोचिए ऐसे कई प्लान बनाते हैं मारने के, उसमें से यही प्लान चूज इसलिए करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे तो मारना पाप लगेगा, क्योंकि ये यू नो ब्राह्मण है, भगवान का भक्त है, ऐसे कई प्लान बनाते हो, लेकिन सोचते हैं कि गंगा में अगर डाल के मारूंगा तो गंगा तो पवित्र है, उसमें अगर कोई मरेगा तो पाप नहीं लगेगा। मतलब देखिए जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ तक कि ये नहीं समझ पाते कि अरे गंगा भले पवित्र हो, है ना स्थान पवित्र हो वाराणसी जैसा, लेकिन वहाँ पे भी किसी की हत्या करेंगे तो पाप लगेगा ना। लेकिन इन बेवकूफ़ लोगों को इतना समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं कि गंगा में मारूंगा तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गंगा में मर गया ना पुण्य मिलेगा। जैसे धृतराष्ट्र, है ना धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र से पूछते हैं, देखिए कर्मों के नियम बहुत गहरे होते हैं, गीता में इसलिए कहा जाता है कर्मणो गहना गति। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जाते हैं ना एक साथ, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए एक साथ, तो उनको जो बताया जाता है कि एक्चुअली क्या था ना, आप बहुत जन्म पहले शिकारी थे, और आपने शिकार करते हुए ऐसे 100 अंडों को एक साथ बर्बाद कर दिया था, तो उसका रिएक्शन आपको मिला इस जन्म में, बोले इतने समय बाद क्यों मिला, अरे भैया हर जन्म में एक साथ, एक ही जन्म में एक साथ 100 पुत्र प्राप्त करना के लिए बहुत पुण्य लगता है, तो ऐसे कई जन्म आपने बिताए जब आपको पुण्य एक साथ इकट्ठा हो गया, एक जन्म में 100 पुत्र हो गए एक साथ मारे गए सारे। तो ऐसा होता है कर्मणों गहना गति, कर्मों के नियम बहुत ही गहरे होते हैं। हम सोचेंगे कि मैं इस विशिष्ट जगह पर रहूँगा, ये पुण्यमय जगह है, यहाँ पर मैं किसी का अपराध करूँगा, किसी को कुछ बोलूँगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन ज़रूर मिलेगा उसका।
ये लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या गलत काम करने जा रहे हैं। रामानुचार्य को बुलाते हैं, कहते हैं कि चलिए हम लोग चलेंगे उत्तर भारत की यात्रा के लिए। रामानुचार्य तो बहुत दिनों सुनते तो ऑफकोर्स, लेकिन उनकी टीम में गोविंदा भी थे जिनको ऐसा पता था कि इतना बड़ा प्लान बनाया जा रहा है इनको मारने का, है ना। उनको पता चल जाता है, ऑफकोर्स गोविंदा को डायरेक्टली नहीं बताते हो, लेकिन उनको पता चल जाता है, वो ग्रुप में थे, वो स्कूल उन्होंने नहीं छोड़ा था, स्कूल में थे अभी भी यादव प्रकाश के। तो ये सब लोग उत्तर भारत की यात्रा के लिए निकल जाते हैं बनारस। तो जो रास्ते से जा रहे होते हैं, यू नो, ये जो विंध्य पर्वत है उस पर्वत को, अब उस समय में चलते चलते जाते थे, आज के जैसा नहीं कि अब ट्रेन में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए, निकल गए, दूसरे दिन उतर गए, चल के जाना है पूरा यात्रा उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ। तो विंध्य पर्वत क्रॉस करते समय जब जा रहे थे, उस समय गोविंदा को पता था कि ये मुझे बताना है रामानुचार्य को, लेकिन ये क्या करते थे यादव प्रकाश के चेले लोग, दोनों को अलग अलग रखते थे, रामानुचार्य और गोविंदा को अलग अलग रखते थे, दोनों को मिलने ही नहीं देते थे साथ में। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि यमुनाचार्य रामानुचार्य को लघु शंका आती है, इसलिए पीछे रुक जाते हैं वो लघु शंका पेशाब करने के लिए। उस समय गोविंदा देखता है कि रामानुज रुक गया है, सबको देखते वो भी रुक जाता है और फटाफट रामानुचार्य को जाकर बताता है कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, ये लोगों ने प्लान बनाया है, आपको वहाँ जाके गंगा में डुबा के मारने वाले हैं। तो यमुनाचार्य रामानुचार्य जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी यहाँ से क्या रास्ता चेंज कर लेता हूँ। तो गोविंदा फिर आगे निकल जाते हैं, रामानुचार्य वहीं पर रुक जाते हैं और फिर जो मेन मार्ग था जहाँ से जा रहे थे सब लोग, उससे रास्ता चेंज करके जंगलों में गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद थोड़े समय में आगे गोविंदा निकल जाते, बोलते हैं अरे तुम पीछे क्यों रह गया था, रामानुज किधर है? बोलते पता नहीं, वो तो मैं उसके लिए रुका था, मैं आ रहा था, वो आता ही रहेगा, ऐसे करके वो लोग आगे निकल जाते हैं। अब रामानुचार्य जंगलों में, अभी देखिए विंध्याचल ये सब घने, उस समय के जंगल आज के जंगल नहीं, आज से 1000 साल पहले कितने घने जंगल रहे होंगे, कितने हिंस्र पशु रहेंगे घने जंगलों में, अकेले अकेले भटकते यहाँ वहाँ, भूखे प्यासे, पैरों में कांटे लगते हैं, पत्थर लगते हैं, भूख प्यास से तड़पते हुए यहाँ वहाँ जा रहे, रास्ता कहीं मिल नहीं रहा, क्योंकि जंगलों में अचानक बीच में कहीं छूट गए ना वो, तो बहुत दुखी है। और इस दुखी अवस्था में वो बोलते हैं कि विंध्या विश्वतो यासु शुष्क कोट रवासिन कृष्ण सर्पा ही जायंते ये हरंति वसुंधारम। कहते हैं कि दोज हु स्टील अदर्स लैंड आर बॉर्न इन द वाटरलेस वाइल्ड्स ऑफ द विंध्या एज डार्क स्नेक्स लॉजिंग इन ड्राई एंट हिल्स। कहते हैं कि कोई पाप किया होगा मैंने पिछले जन्म में, इसीलिए मुझे आज ये सब यहाँ पे यू नो संकट इतना झेलना पड़ रहा है। कहते हैं कि जो लोग दूसरे की संपत्ति चुराते हैं ना, जो पाप कर्म करते हैं, ऐसे लोगों का जन्म ऐसे स्थान में होता होगा जहाँ पे ना पीने को पानी है, ना चलने के लिए अच्छी भूमि है, कांटे पत्थर कटीले इस तरह से घूमते घूमते जा रहे हैं। और संध्या का समय आता है, संध्या की बेला आती है, उस समय देखते हैं यमुनाचार्य रामानुचार्य कि एक जोड़ा है ना, एक शिकार और शिकारी हंटर दोनों का जोड़ा वहाँ से कहीं से जा रहा है। तो इतने घने जंगल में दूर दूर तक किसी व्यक्ति का यू नो ठिकाना नहीं है कहीं दिखने का, लेकिन ये कैसे दिख गए यहाँ पे? थोड़ा पास में जाके इंक्वायरी करते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो कहते हैं कि हम लोग दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से आए हैं, हम लोग दक्षिण की तरफ जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, हम दक्षिण सिद्धाश्रम जाना चाहते हैं, सॉरी सिद्धाश्रम नॉर्थ से आ रहे हैं और हम सत्यवत क्षेत्र जाना चाहते हैं साउथ इंडिया में यात्रा करने के लिए। तो हम लोग भी यात्रा में हैं, हम लोग जा रहे हैं उसी तरफ। तो रामानुचार्य बोलते हैं कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ क्या, आपके साथ आ सकता हूँ क्या? तो हाँ जरूर जरूर हमारे साथ चलो। तो उस समय संध्या हो जाती है, रात का समय आ जाता है, जब रात हो जाती है तो अब रुकना है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि चलो आज हम यहीं पे किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, फिर कल सुबह जब उजाला होगा, सूरज की रोशनी आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, एक साइड में रामानुचार्य, दूसरी साइड में वो शिकार शिकारी पति पत्नी दोनों। रामानुचार्य अब जैसे सोने वाले हैं, थोड़ा सा उनको नींद आ रही है, थके हुए हैं, तभी उनको आवाज़ आती है, किसकी? शिकारी के पत्नी की। पत्नी बोलती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कहीं से पानी मिलेगा क्या, पानी लेके आओ, बहुत प्यास लगी है। तो शिकारी बोलता है कि नहीं अभी तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं सकता है, अभी रात भी हो गई है, तुम कल सुबह तक इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कल सुबह ज़रूर पानी पिलाऊँगा ढूंढ के यहाँ से कहीं से। रामानुचार्य सोचते हैं कि काश इन्होंने इतना मुझे आश्रय दिया, अगर मैं इनके लिए पानी कहीं से ढूंढ के ला के दे सकूँ तो कितना बड़ा उपकार कर सकूँ मैं इनके ऊपर,
ऐसा सोचते, लेकिन सोचते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है। और इस तरह से रामानुचार्य और वो दोनों शिकार शिकारी दोनों रेस्ट करने चले जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, जब सुबह हो जाती है, मतलब अंधेरा, रात भर वो लोग रेस्ट करते हैं, सुबह हो जाती है, रामानुचार्य उठते हैं, अपना प्रातः विधि करते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, अपना मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं, जोड़े गायब हो गए दोनों, शिकार शिकारी दिखते नहीं कहीं पे, पता नहीं कहाँ चले गए। और ऐसा ऐसे जैसे गांव के करीब हम आते हैं ना, गांव के करीब आने के बाद कैसे आपको आवाज़ आता है, है ना, गाँव के ना लोगों का, या फिर उधर के जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका, पता ये कहाँ पे आ गया मैं। थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ लोग चल रहे हैं, थोड़ा आउटस्कर्ट में आने के बाद जंगल से, तो पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। बोलते हैं अरे आप नहीं जानते, गांव के लोग बोलते हैं, अरे ये तो कांचीपुरम है, आप देख नहीं रहे यहाँ पे कांचीपुरम मंदिर का गोपुरम, ये तो वरदराज का जगह है। तो रामानुचार्य एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे कांचीपुरम कैसे आगे पहुँच गया, और फिर समझ जाते हैं कि एक्चुअली जो रात में जो दोनों मिले थे ना पति पत्नी, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी नारायण थे, स्वयं भगवान वरदराज और उनकी नित्य संगिनी लक्ष्मी देवी हैं। जब वो सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं, यू नो उनको जब, तब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिखी है, उनको इतना आनंद होता है, बोलते कि मैं कहाँ उत्तर भारत में था, हजारों मील वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया मैं पता ही नहीं चला मेरे को। और कहते हैं कि ये ऐसा स्थिति है जैसे ना, जैसे भगवान राम ने जो हनुमान से सुना था कि सीता मिल गई है, उस समय जो उन्हें हर्ष हुआ था, वो हर्ष उन्हें होता है कि भगवान स्वयं मुझे इतना रास्ता दिखा के यहाँ तक लेके आए, लेकिन मैं जान नहीं पाया। जैसे कहते हैं कि सीता जब सुनती है कि रावण खत्म हो गया युद्ध में, जब उनको आनंद होता है, या फिर यू नो हनुमान, ऐसे कुछ वर्णन दिए गए हैं कि मधुवन के जंगल में जब आते हैं लंका से रिटर्न होते समय, जब उनको आनंद होता है, ऐसा आनंद यू नो रामानुचार्य को होता है। और रामानुचार्य भगवान यू नो वरदराज से क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं कि मैं आपको समझ नहीं पाया, जिस तरह से आपने मुझे, बोलते हैं कि जिस तरह से अर्जुन भगवद गीता में यू नो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थनाएँ करते हैं कि हे भगवान, मैंने आपको एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ कर यू नो आपको एक साथ मैं रहा, आपके एक ही पलंग पे बैठा, एक ही थाली में हमने खाया, एक साथ हम घूमे फिरे, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी भगवत्ता को नहीं समझ पाया। उसी तरह से यमुनाचार्य रामानुचार्य भी माफ़ी मांगते हैं भगवान से और कहते कि आप इसके लिए मुझे क्या करो, माफ़ कर दो। तो इस तरह से ये अद्भुत कथाएँ हैं जो रामानुचार्य के इसमें आपको दिखेंगी कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। अब देखिए रामानुचार्य उस दिन के बाद प्रॉमिस करते हैं भगवान को कि मैं आपके लिए रोज कांचीपुरम में, हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये वरदराज मंदिर है वहाँ पे, यू नो कहते हैं कि हर रोज, क्योंकि उस दिन उस रात को लक्ष्मी ने कहा था ना कि मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या, तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं कल सुबह, अभी अंधेरा हो गया है। तो रामानुचार्य उस दिन से सोचते हैं कि मैं हर रोज भगवान की सेवा क्या करूँगा, जहाँ नीचे कुआं था उसमें से पानी लेके आऊँगा रोज, और भगवान का सेवा पूजा उससे होगा। तो नित्य नियम है ना, कई वर्षों तक वो पूजा है ना वो सेवा करते हैं, इतने बड़े आचार्य थे, लेकिन वहाँ से वो उनका भगवान के लिए पानी लेके आने का सेवा वो नित्य नियम से करते हैं ना बाद में वरदराज के लिए। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर कथाएँ हैं यहाँ पे श्रीपाद रामानुचार्य की। हम लोग आगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते, जैसे भी हो। तो आप लोग कभी अगर समय मिले तो आप ऐसे इनकी पुस्तकें भी हैं यमुना रामानुचार्य की, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, गूगल में मिल जाएंगे, अपनी गिफ्ट शॉप में मिलती हैं, पढ़िएगा विस्तार से। बहुत सारी चीज़ें मैं विस्तार से नहीं बता पाता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं रहता है, बट कथाएँ बहुत ही सुंदर हैं, रोचक हैं। जैसे आज हमने देखा किस तरह से यू नो रामानुचार्य, उनके भगवान से मुलाकात होती है, दिस इज काइंड ऑफ अ फर्स्ट इनकाउंटर, लक्ष्मी नारायण स्वयं भगवान उनको आके किस तरह से बचाते हैं। तो देखेंगे अगली बार जैसे हमको समय मिलेगा। जय श्रील प्रभुपाद की।
जय श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। आइए सभी भक्त तरुण गौरांग प्रभु जी का हम धन्यवाद करें कि उन्होंने इतना स्टडी किया और अपना समय निकाल के हमें इतना अच्छा क्लास दिया। तो तीन बार हम हरि बोल बोल के उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू।